अस्सलाम वालेकुम जनाब, लोड शेडिंग फ्री मुसलसल 24 घंटे बिजली की फ्राहमी न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हासिल हो गई। इस तरीके से जो है, चाहे जो नेशनल ग्रिड स्टेशन है उसमें कोई ब्रेकडाउन आता है या कोई लोड शेडिंग का बहरान पैदा होता है, किसी भी सूरत में जो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको बिजली की बिला तातुल फ्राहमी जारी रहेगी। इस हवाले से 12 मेगावाट की जो बिजली है उसको फ्राहमी का, उसको मुसलसल 24 घंटे फ्राहमी का जो एक मामला है मुकम्मल तौर पर वो शुरू हो गया है। और इसमें इस मुआहदे के मुताबिक जो नेशनल पावर जो है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और इलेक्ट्रिक्स कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, ग्वादर का बलोचिस्तान गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इन तीनों के ताउन से, और बल्कि इसमें आपका सिविल एविएशन अथॉरिटी भी है, ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी भी है, तो इन सब के मिलने के साथ एक मुकम्मल जो है मुआहदा हुआ है, जिसके मुताबिक यानी उस मुआहदे पर अमल दरामद भी हो गया है। और उसके मुताबिक 12 मेगावाट की जो बिजली है वो न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हासिल हो गई है। और अब उसके तमाम कंपोनेंट्स जो हैं और तमाम उसके जो मामलात हैं वहाँ मुसलसल ये बिजली फ्राहम उसकी फ्राहमी जारी रहेगी। इसमें इसको इस हवाले से कुछ 3 पावर ट्रांसमिशन लाइंस दी गई हैं ताकि हर तरह का जो मामला है वो किसी भी सूरत में बिजली जो है ना वो उसमें मुअत्तल ना हो सके। जो इस पर 3 ट्रांसमिशन लाइंस हैं, पहली ट्रांसमिशन लाइन जो है वो 284 किलोमीटर लंबी है, जो कि बाल बसीमा और बाल पंजूर की ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। दूसरी ट्रांसमिशन लाइन जो है वो मंद पिशीन और तुर्बत की पावर ट्रांसमिशन लाइन है। और तीसरी जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है जिसके थ्रू न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट किया गया है वो इधर की आपकी मंद रमदन और जीवनी ग्वादर ग्रिड स्टेशन। तो ये 3 पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिसके थ्रू उस न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट किया गया है। और कभी जब किसी वजह से एक ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें कोई ख़राबी पैदा हो जाती है तो दूसरी ट्रांसमिशन लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। अगर दूसरी में कोई मसला पैदा होता है तो फिर तीसरी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरह उसको 3 ऑप्शन दिए गए हैं ताकि बिजली के कोई किसी तरह के भी मामलात हों, लोड शेडिंग के हों, पावर ब्रेकडाउन हो जाए या और कोई मसला पैदा हो जाए, कोई टेक्निकल मसला पैदा हो जाए, जो 3 ट्रांसमिशन लाइंस हैं इसके थ्रू न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो बिजली की 24 घंटे बिजली की फ्राहमी जारी रहेगी। और ये 12 मेगावाट की जो बिजली है उससे उसको पावर अप किया गया है। और ये एक बहुत बड़ा मामला था जो कि तय हो गया है और ऑपरेशनलाइज है, एक्टिवेट है, और आइंदा आने वाले दिनों में बाकी मामलात तय होंगे। थैंक यू।